ये बड़ी खबर महाराष्ट्र सामने आ रही है। कल्याण सीट से श्रीकांत शिंदे विजयी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दक्षिण मुंबई से यूबीटी के अरविंद सावंत जीत चुके हैं। दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता रहे हैं। श्रीकांत शिंदे 2 लाख मतों से जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। वहीं शरद पवार इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी थाने से शिंदे गुट से नरेश महस्के जीतते हुए नजर आए हैं। बता दें कि नरेश महस्के 1 लाख मतों से जीते हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शिरूर से शरद गुट के अमोल कोहले की जीत होती हुई नजर आ रही है। वहीं पालघर से बीजेपी के हेमंत सावरा भी जीत चुके हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, जहां कल्याण सीट से श्रीकांत शिंदे विजयी होते हुए नजर आए हैं। वहीं पालघर से बीजेपी के हेमंत सावरा की जीत होती हुई नजर आई है। कल्याण सीट से श्रीकांत शिंदे विजयी होते हुए नजर आए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, जो लगातार आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर बता रहे हैं। जलगांव से बीजेपी के स्मिता वाघ की जीत होती हुई नजर आई। दक्षिण मुंबई से यूबीटी के अरविंद सावंत जीत दर्ज करते हुए देखे गए। वहीं साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई की जीत हुई है। श्रीकांत शिंदे 2 लाख मतों से जीत गए हैं। शरद पवार इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है महाराष्ट्र में, जहां चुनाव परिणाम घोषित किए जा रहे हैं और देखा जा सकता है कि थाने से शिंदे गुट से नरेश महस्के ने जीत दर्ज की है। ये बड़ा अपडेट 1 लाख मतों से नरेश महस्के जीतते हुए नजर आए हैं। साथ ही बता दें कि नरेश महस्के ने राजन विचारे को हराया है और शिरूर से शरद गुट के अमोल कोहले ने जीत दर्ज की है और पालघर से बीजेपी के हेमंत सावरा भी बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए।